अमित शाह जी मैं कहूंगी देश के हेट मिनिस्टर है, और देश के हेट मिनिस्टर के रूप में उन्होंने कल जो तथाकथित मैनिफेस्टो, कल उन्होंने जो वायदे रखे हैं, मैं तो कहूंगी पहले बात हमारे देश के हेट मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए कि झारखंड में जो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है, घुसपैठी नहीं वो लूट पेटी है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां है जो अमित शाह जी के इलेक्ट्रल बॉन्ड के खजाना को भरा है, झूठ ना बोले देश के हेट मिनिस्टर। हकीकत क्या है? आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, खदान मालिकों से, बड़े बड़े माइनिंग कंपनी से, बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट से, जिसके अधिकतर प्रोजेक्ट्स गुजरात के कंपनियों को दिया गया है। पूरा राजमहल प्रोजेक्ट, संथाल परगना, पूरे आदिवासियों के पूरे इलाके अभी रहने लायक नहीं है, क्योंकि बीजेपी की लूट पेटी ने वहां ट्राइबल्स की जिंदगी को बर्बाद किया। उस पूरे इलाके में गारंटी की बात है, कहीं भी हेट मिनिस्टर की पार्टी को सीट नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, यूसीसी की बात का जहां तक सवाल है, हम सब देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो इन्होंने जो यूसीसी लाए हैं, वो महिलाओं के अधिकारों का हनन का एक यूसीसी है। देश भर में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूसीसी महिलाओं के अधिकारों के लिए नहीं, यूसीसी आरएसएस के एजेंडा के तहत है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, आदिवासियों की डिमांड है कि सेंसस में हेट मिनिस्टर की मिनिस्ट्री इंचार्ज है सेंसस की, सेंसस में आदिवासियों की आस्था के लिए क्यों नहीं कॉलम है? सरना है, और भी कितने अलग अलग धर्म के जो आदिवासियों के विश्वास का पूरा ढांचा है, उसका क्यों नहीं सेंसस में कॉलम है? पहले वो कॉलम में आदिवासी स्ट्रोक सरना लिखवाए, तब बात करें आदिवासी संस्कृति की।